दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश मैं हूं देवेश दोस्तों रोजाना सुबह और शाम हम आपकी सेवा में छह महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार विश्लेषण लेके आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसी क्रम में दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गोल्ड की भैया जी साठ हजार के लेवल पे गोल्ड पहुंच गया है दूसरा गोल्ड में आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करती है उसकी चर्चा करेंगे ये काम की बात होने वाली है आप सभी की साथ में भैया जी भारत सरकार ने 3500 सो किलोग्राम सोना पकड़ा है कैसे पकड़ा है उसकी चर्चा करेंगे तो भैया ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात कही है इस सेंचुरी को लेकर तो भैया जी जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है जो मोदी सरकार के लिए बुरा हो सकता है लेकिन भारत के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से न्यायप्रियता के हिसाब से सही जान पड़ता है उसकी चर्चा करेंगे तो भैया जी कच्चा तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो केरन जो कि वेदांता की कंपनी है उसने चट्टानों से तेल निकालने के लिए नई 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 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसका चर्चा करेंगे हम हर घटनाक्रम ये जो है वो एक से बढ़कर एक है आपको पक्के से मजा आएगा आनंद के साथ वीडियो देखिएगा अब दोस्तों आप ये चार्ट देखिए एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट देखो आप उच्चतम स्तर पे है अभी करीबन करीबन साठ हजार रुपए का लेवल छू लिया है एमसीएक्स गोल्ड ने तो अब गोल्ड तो चढ़ गया तो गोल्ड के सामने आप देखिए ये वाला ये है डॉलर का डॉलर नीचे जा रहा है मतलब क्या है यदि डॉलर में गिरावट आती है तो हमारा गोल्ड चमकता है अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उसके कारण भैया डॉलर के भविष्य के ऊपर लगा हुआ है सवालिया निशान इसलिए यदि डॉलर गिरा तो हमारा गोल्ड चला है और ना सिर्फ डॉलर शेयर मार्केट भी आज कमजोर है भाई साहब और शेयर मार्केट कमजोर है तो गोल्ड चमक रहा है और भैया जी हम तो अपनी खुद की बात बताएं साहब आज जो है पूरा पोर्टफोलियो लाल हो रखा था लाल भाई साहब वो तो भला हो हिंदुस्तान यूनिलीवर का और एबॉट का थोड़ी सी हरियाली दिख रही थी और भाई साहब गोल्ड ने तो भैया जी दिल को शांति दी है भाई साहब ऐसा चमक रहा है भाई साहब थर्टी परसेंट प्रॉफिट दिख रहा था गोल्ड पे तो पॉइंट क्या है पॉइंट यहाँ पर यह है कि यही है आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजी कि कभी भी हमारा पोर्टफोलियो पूरा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए एक जगह अगर हमें लॉस रहे तो दूसरी जगह हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए हमें मार्केट में लंबा टिकना है। लंबा हम कब टिकेंगे? जब हमारा पोर्टफोलियो संतुलन में रहे ऐसा ना हो कि एकदम अचानक से पूरा पोर्टफोलियो मिट जाए लाल हो जाए ऐसा नहीं उसमें क्या होगा आप हिम्मत हार जाओगे मार्केट छोड़ के भाग दोगे वो नहीं करना हमें मार्केट में टके रहना है तो उसके लिए यही है आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजी कि हम एक जगह के प्रॉफिट से दूसरी जगह के लॉस की भरपाई कर सके और दोस्तों पुराने जमाने से सदियों से हमारे यहाँ तो यही सिद्धांत चलता आया है दादी ने नानी ने जो ये ज्ञान पास किया है जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं भैया जी वो जो पैसा खर्च करती हैं सोने में वो खर्चा मत मानिए आप कभी वो निवेश है भैया देख लो आप सामने आज गोल्ड ही चमक रहा है तो भैया जी हम तो अपने खुद के अनुभव की बात बताए हमारे जो दादाजी थे वो तो भैया जी गोल्ड से बहुत प्यार करते थे भैया जी प्यार की इंतहा ऐसी थी कि साहब घर में ट्रैक्टर आया तो उन्होंने ट्रैक्टर का विरोध किया था बोले कहा लोहा ले आए लोहा का खरीदा बोले गोल्ड खरीदो मतलब अब आज कोई कह सकता है कि ट्रैक्टर खरीदना सही डिसीजन है गोल्ड की मनस्पत, लेकिन उनकी थिंकिंग क्या थी कि लोहा मत खरीदो सोना खरीदो तो ये जो थिंकिंग है बूढ़े पुराने लोगों का जो ज्ञान है हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना है उसमें वैल्यू है आप देख लीजिए आज जब पूरी दुनिया का मार्केट लहूलुहान हो रखा है तो केवल 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 गोल्ड चमक रहा है कोई तो भी लो कहते थे कि क्रिप्टो क्रिप्टो गोल्ड को रिप्लेस कर देगा भैया इनकी खड़ा हुआ है, है।, है से अब दोस्तों आप देख लीजिए कितना सोना पकड़ा है तीन किलोग्राम सोना पकड़ा है पिछले साल से सैतालीस अधिक है सबसे ज्यादा कहां पकड़ा है कल्पना करो कहां पकड़ा गया होगा केरला में केरला में सबसे ज्यादा पकड़ी हुई है फिर महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में हुई, हुई है फिर हमारे ये मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश दिल्ली विल्ली आते हैं बट केरला में भैया जी गोल्ड भयंकर पकड़ा गया है तो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे पकड़ लिया ना ना इसके लिए कस्टम ऑफिशियल्स ने और भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने मिलकर काम किया परिणाम आपके सामने और गोल्ड देखो महंगे दाम पे चढ़ रहा है तब यदि स्मगलिंग को हम रोक पाने में सफल हो रहे हैं तो भैया जी इस गोल्ड की वैल्यू तो अब अपने आप बढ़ रही है बिना कुछ किए और क्या चाहिए भाई साहब अब दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान साहब कहा करते थे कि बाबर जब भारत आया था तो पता उसके साथ कितने मुसलमान थे चालीस मुसलमान थे सिर्फ चालीस मुसलमान लेके आया था बाबर भारत में और पूरे भारत पे उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की क्यों 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 क्योंकि हमारा समाज बटा हुआ था टुकड़ों में टूटा हुआ था और ये कोई बाबर ने नहीं किया बाबर ने तो हमारी कमजोरी का लाभ उठाया हमने अपने श्री राम से कुछ नहीं सीखा दिक्कत इस बात से और आज भी भैया हम जो है अपने श्री भगवान श्री राम से सीखने से बचते हैं क्यों भाई साहब समाज के सभी वर्गों को मिलके एक साथ रहना है आगे बढ़ना है हर चुनौती का मुकाबला साथ मिलके करना है वो कैसे होगा वो ऐसा नहीं होगा कि बॉर्डर पे आगे लड़ना है ना सबके लिए मंदिर एक हो सबके लिए शमशान एक और सब साथ मिलके खाना खाएं बस यही चीज चाहिए अगर ये तीन चीजें हमने साथ में कर ली तो भैया जी दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती अगर हम इतिहास को पीछे घुमा सके तो आज से हजार डेढ़ हजार साल पहले अगर हमने यही तीन काम किए होते भाई साहब तो हमें भैया जी कभी गुलामी की जंजीरों में कोई कोई भैया उनकी औकात के बाहर है भैया हमें कैसे ये बाबर चालीस लोगों को लेके आया था कैसे कब्जा कर लिया उसने भारत पे कमी हमारी थी उन्होंने तो भैया एक्सप्लोयट किया हमारी कमियों को अब दोस्तों समय समय पर हम ओ की बात करते रहते हैं तो लोग वह कहते हैं यार ओ में तुम्हारा निवेश है बार बार बंद किया करो तो ओ नहीं कर रहे हैं आज चिंता नहीं करो आप आज आजा कर रहे हैं केयर में की केरन भाई साहब भारत की दूसरी सबसे बड़ी कच्चा तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी है देखो पचहत्तर परसेंट तो करती है ओएनजीसी 25 परसेंट प्रोडक्शन करती है भारत का केरन तो केरन भी दिग्गज कंपनी है केरन को मोदी साहब ने 60 प्लस ब्लॉक दे रखे हैं निकालो कच्चा तेल काहे बैठे हो चुपचाप तो देखो क्या कर रहे हैं कि साहब जहां कच्चा तेल आसानी से मिलना था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में वहां तो निकाल दिया लेकिन अब जो कच्चा तेल है वो चट्टानों में छुपा हुआ है शेल ऑयल है तो भैया निकालने के लिए टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है अमेरिका से आ रही है निकालो भाई से चट्टान फोड़ो और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा 500 मिलियन डॉलर का बजट भी रख दिया गया है भाई साहब खाली पीली बातें नहीं हो रही यहाँ पे पैसा रखा गया है बजट टेबल पे देख लो आप और इस पैसे में से अधिकांश हिस्से का इस्तेमाल उन कुओं में किया जाएगा जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है भंडार मिलने की क्योंकि केरन का कहना है कि हमें अपना प्रोडक्शन डबल करना है टू एक्स करना है जल्दी से जल्दी तीन चार पांच सालों में तो वो तभी होगा जब पैसे का इस्तेमाल बहुत ही अकलमंदी से किया जाए तो केरण को हमारी तरफ से शुभकामनाएं आगे बढ़िए भाई साहब ये बहुत शानदार काम हो रहा है अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब की कभी कभी हम आलोचना करते हैं लेकिन भैया हमने कोई पानी थोड़ी उठाया है कि हर चीज में उनकी विरोध करो अच्छा काम करेंगे तो तारीफ करना बनता है देखो आप ये एक प्रथा चली आई है सील्ड कवर की इसके अंतर्गत क्या होता है सरकार जो है डॉक्यूमेंट्स को सील करके लिफाफे में जज साहब को पेश करती है ताकि केवल जज साहब ही देखें सामने वाली पार्टी जो दो पक्ष हैं तो दूसरा पक्ष है उसको इस डेटा की पहुंच नहीं मिलती है वो इस इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकते तो जज साहब का कहना यह है चंद्रचूड़ साहब का कि भैया जी बंद करो ये सील्ड कवर देखो भैया अगर नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव है वो समझ में आता है कोई बेवकूफी वाली बात कर नहीं रहे अगर किसी की जान जा रही है डेटा को साझा करने से तो उसकी बात नहीं कर रहे सामान्य किस जैसे ये वन रैंक वन पेंशन वाला मामला ये फाइनेंशियल इश्यू है तो इसमें सील कवर देने का कोई मतलब नहीं है जो जानकारी जज साहब के पास है वो जानकारी दोनों पार्टियों के पास होना चाहिए बराबर क्योंकि भैया जी जज जो जस्टिस डिलीवर करता है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पारदर्शिता कब होगी जब सब लोगों को समान जानकारी होगी तो भाई साहब ये जो परिवर्तन हो रहा है ये हम ऐसे नहीं देख रहे मोदी सरकार के खिलाफ है ना ना, ना। भविष्य में भी आने वाले समय में भी देश में न्यायपालिका ढंग से काम करे और लोगों को लगना भी चाहिए कि न्याय अगर हो रहा है तो वास्तव में दिखने में आना चाहिए समझ में आना चाहिए तो वो सुनिश्चित करने में ये सील्ड कवर रोकने की प्रोसेस बहुत ही सफल कामयाब होगी हमें उम्मीद है चलता रहना चाहिए भविष्य में भी अब दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं टोनी अबॉट साहब बढ़िया आदमी है इनका कहना है कि जो अभी सेंचुरी चल रही है ये बोले चीन की हो जाएगी बोले अगर हमने कुछ नहीं किया तो चीन की होना पक्की है तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये चाइना की ना हो इंडिया की हो जाए तो हमने इनसे कहा कि भैया जी आपने ये बात समझ ली बहुत अच्छी बात है लेकिन ये बात आप अपनी मीडिया को कब समझा रहे हो भैया जी आपकी मीडिया अभी विजय रोगी रहती है भारत के खिलाफ अरे भैया सब छोड़ दो आज ही अमेरिकन अखबार सीएनएन की रिपोर्ट है भैया सीएनएन कौन है भैया वो अमेरिका है ऑस्ट्रेलिया सब ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सीएनएन का कहना है भैया जी पंजाब में इंटरनेट बंद कर दिया अरे भैया मैंने माथा पकड़ लिया कि यार तुम सी की तीन सौ सत्तर की जो हेडलाइंस हैं वो अभी तक चला रहे हो कोई परिवर्तन नहीं है मतलब का चाहिए इंटरनेट जो है के चक्कर में हम देश में आग लगवा लें कानून व्यवस्था को हम जो है बली चढ़ा दें क्या चाह रहे हो इंटरनेट भैया जी कोई हमेशा के लिए नहीं रोका कश्मीर में भी इंटरनेट चालू हो गया पंजाब में भी हो जाएगा थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाएगा इंटरनेट अपने आप बहाल हो जाएगा तो ये जो हमारी प्रगति में रोड़ा अटका रही है मीडिया उसको आप थोड़ा ज्ञान दो चुपके से ले जाके खोफ में ले जाके समझाओ समझाओने कि भैया जी ऐसे काम ना चलेगा ऐसे जो आप काम कर रहे हो वो इफेक्टिवली चाइना को हेल्प कर रहा है अगर भारत में मोदी मजबूत रहा तो चीन का इलाज तो भैया जी हम कर लेंगे उसकी टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी आप तो अपने देश में शांति से सो एसी की हवा खाओ आराम से टेंशन ना लो भारत में मोदी साहब है चीन का पसीना निकाल देंगे ढंग से अब दोस्तों आप में से कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि हमारे मन में सवाल आते हैं वो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट से जुड़े हो सकते हैं शेयर मार्केट से लेकर भी हो सकते हैं जुड़े हुए तो उन सभी सवालों का व्यक्तिगत आपके जो तो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए हम ये नया प्रोग्राम लेके आए हैं रविवार को शाम को आठ बजे हम ये सेशन आयोजित करते हैं इस सेशन में जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं तो आप हमारे सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जो है सेशन में रविवार को होने वाले सेशन में सवाल पूछ पाए और हम आपके जवाब दे पाए वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम